वेलकम टू जीत क्लासेस। डियर छात्रों, फाइनली आपके लिए क्लास आपका 11th का सेट ए सब्जेक्ट इंग्लिश का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2024 का यानी प्री बोर्ड का पेपर, पूरा पेपर और आपका देखिए मैं यहां पे सोल्यूशन लेके आ चुका हूं। देख सकते हैं आपको, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन, और इसके बाद देखिए यहां पे आपको मिल जाएगा सेक्शन आपका, देखिए आपको इसमें मिलेगा सेक्शन आपका वी आपका राइटिंग सेक्शन होता है, और इसके बाद आगे आपको मिलेंगे देखिए सेक्शन सी आपका ग्रामर सेक्शन है। तो देखिए मैंने आपका पूरा पेपर जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो जीत का इंडिया पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। और देखिए ये रहे आपके पूरे क्वेश्चन पेपर, और आपके इन क्वेश्चन पेपर का आपको देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके पूरे 15 के 15 क्वेश्चन के आंसर आपको देखिए मॉडल आंसर पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा, और ये मॉडल आंसर देखिए बिल्कुल आप करने पर आप देखिए पूरे 80 में से 80 नंबर यहाँ पे प्री बोर्ड के एग्जाम में लाने वाले हैं। आपको देखिए पूरे यूट्यूब पर जो है आप यदि करते हैं, कहीं से भी आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपके गलत होने के चांस ज़्यादा है, लेकिन अगर आप यहाँ से आंसर करेंगे तो डेफिनेटली आपके हर एक क्वेश्चन के आपको मॉडल आंसर मिलेंगे और आप पूरे यहाँ पे प्री बोर्ड के एग्जाम में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपका इसमें देखिए आता है आपका रीडिंग सेक्शन, इसमें दिया है देखिए या दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ द पोएम। अब देखिए इस पैसेज को आपको पढ़ना है ध्यान से। अब इस पैसेज को आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्या है ना, देखिए बटरफ्लाइज विद देयर वाइब्रेंट कलर ऑफ द डेलिकेट विंग्स, देखिए बटरफ्लाइज की बात कर रहा है आपको इसमें मधुमक्खियों के बारे में, तो उन्हीं के बारे में आपको देखिए आप इसमें टोटल आपके 17,000 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व में 17,000 आपके इनके यहाँ पे प्रजाति पाई जाती है, और उन्हीं के बारे में पूरा आपका दिया गया है। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो देखिए आपको कैसे लिखना है, आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट इज द रोल ऑफ बटरफ्लाइज इन इकोसिस्टम, यानी आपका जो देखिए यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना उसमें आपका बटरफ्लाइज का क्या आपका रोल होता है। तो देखिए आपको आंसर जो है ए बी सी डी में आपको जो आंसर आपको लिखना है पॉलिनेशन का, ठीक है, तो आपको पॉलिनेशन लगता आंसर करना है। सेकंड देखिए हाउ मैनी नोन स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज आर द वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे विश्व में कितने प्रजातियां हैं, तो आप देख सकते हैं 5,000, 1,000, 15,000 या फिर आपका देखिए 17,000। आपको उत्तर देखिए इससे आपको 17,000 कर देना है जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था पढ़कर। और इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज द टिपिकल लाइफ स्पैन ऑफ द बटरफ्लाई, देखिए आपका इनका आपका जो लाइफ स्पैन होता है आपका जीवन चक्र होता है कितना होता है, 2 से आपका 4 हफ्ते, 1 से 2 मंथ, 1 से 2 वर्ष या फिर 5 से 10 वर्ष। तो देखिए सिंपली आपका इनका जीवन काल होता है 2 से 4 आपका हफ्ता होता है, इतने कम समय में आपके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर आता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द वाइब्रेंट कलर ऑन द विंग्स बटरफ्लाइज, देखिए अट्रैक्टिंग मेट्स या फिर आपका देखिए कॉमन फ्लेक्स, आपको देखिए इन चारों ऑप्शन में आपको आंसर आपको ए नंबर करना है अट्रैक्टिंग मेट्स, ठीक है। पांचवा देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बटरफ्लाइज, देखिए इसके बाद क्या लिखा है स्पीसीज आर इज नोन एक्सटेंसिव माइग्रेटरी पैटर्न, आपको इसमें आंसर जो करना है देखिए मोनार्की आपका बटरफ्लाई आपको बी नंबर करना है। सिक्स नंबर देखिए हॉट पोस्ट पोजेज ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट बटरफ्लाई पॉपुलेशन इन द कंटेस्ट ऑफ द पैसेज, तो आपको इसमें देखिए आंसर 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका जो राइट आंसर है इसमें आपका क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन आता है द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ बटरफ्लाई लाइफ साइकिल की बात कर रहा है, तो आपको देखिए इसमें आपको जो है ये अंडे देती हैं, ठीक है, तो आपका फर्स्ट आपका स्टेज इनका क्या होता है कैटरपिलर होता है, ये फिर आपका देखिए क्रिस्टलाइसिस या फिर आपका फ्लाई, तो आपको आंसर आपका ए नंबर करना है आपका एक होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आठवां आता है द सिग्निफिकेंट ऑफ द बटरफ्लाइज इन द गार्डन एंड पार्क इज, इसमें आपको जो आंसर करना है ना आठ में आंसर देखिए ए बी सी डी दिया है, सी नंबर आंसर होगा प्रोवाइडिंग इंस्पिरेशन आपका ये आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए नौ नंबर व्हाट कल्चर सिंबोलिज एसोसिएशन विद द ट्रांसफॉर्मेशन कैटरपिलर ऑफ द बटरफ्लाई, इसमें आंसर आप देखिए आपको चेंज करना है। दस नंबर देखिए व्हाट टर्म ऑफ द डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बटरफ्लाई फ्रॉम एग कैटरपिलर, आंसर देखिए सिंपल सा है आपका मेटा मॉर्फोसिस आपको आंसर करना है। इसके बाद देखते हैं देखिए आपको यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन सेकेंड, इसमें आपको पैसेज को पढ़ना है, इसमें आपको टाइटल देना है और साथ में आपको देखिए इसका आपको देखिए कुछ आपके नोट्स बनाने हैं। तो देखिए टू लाइव हारमोनी विथ वन सेल्फ ऑफ द इन्वायरमेंट इज द वाइज ऑफ द ह्यूमन, ठीक है, देखिए बीस ऑफ द ह्यूमन हाउ एवर आपको इसके बारे में पूरा आपका यहाँ पे कह दिया है पैसेज दिया है, इसका आंसर कैसे करना है चलिए आपको दिखा देते हैं। आपका देखिए आंसर आपको जो है आपको यहाँ पे
ये मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको देखिए नोट्स में क्या लिखना है, नेट फॉर योगा, तो आपको देखिए रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस आपको ये करना है, डिक्रीज फिजिकल आपका लेजीनेस, अटेंशन ऑफ द फिजिकल हेल्थ, केयर अबाउट मेंटल पीस, ठीक है। और इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मेरिट ऑफ योगा, आपको इन पॉइंट के आधार पर आपको नोट्स बना देना, सिंपल सा है, कोई दिक्कत आपका नहीं है। तीसरा पॉइंट देखिए योगा इज डेली लाइफ, और इसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग, आपको देखिए यह सारे पॉइंट लिखने हैं। और आपका इसमें जो आपका टाइटल है ना, टाइटल आप सिंपल सा लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट ऑफ योगा इन आवर लाइफ, तो आपको इसके बारे में आपका पूरा पैसेज में आपको दिया गया है। और देखिए इसका आपको जो है ना, इसका आपको पैसेज लेकर देखिए, आपको जितना आपको आंसर है इसका मैं आपको यहाँ पे देखिए पूरा पीडीएफ भी आपको दूंगा, जैसा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पे पीडीएफ दूंगा, मतलब इसका क्या है कि मैं आपको पीडीएफ दूंगा। उसके लिए आपको देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया वेबसाइट का, तो वहां पर जाकर आसानी से पूरे पीडीएफ आपको डाउनलोड कर पाएंगे, जिससे क्या होगा आपको लिखने में आसानी हो जाएगा। तो आप वीडियो देख लीजिए और बाद में आप पहले इसे समझ लीजिए, और इसके बाद आसानी से पीडीएफ डाउनलोड करिएगा और सारा आंसर आप एकदम छाप दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए सेक्शन आपका वी आता है, राइटिंग सेक्शन। यू आर मंजुला, आपका नाम देखिए क्या है, मंजुला है, और यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, ड्राफ्ट द नोटिस फॉर द हाउस कैप्टन एंड द वाइस कैप्टन अटेंड द मीटिंग रिगार्डिंग सेलिब्रेशन एंड एनुअल फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे आपको जो सेक्शन भी है ना, क्वेश्चन तीन में आपको देखिए दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए आपका ये है क्वेश्चन, तो मैं आपको देखिए आंसर जो है ना आपका एक देखिए आपका ये वाला है, ठीक है। और इसके साथ आपका अथवा का देखिए टूरिज्म डिपार्टमेंट का आपका एक गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में आपको एक ये क्वेश्चन दिया है। साथ में देखिए क्वेश्चन आपका जो चौथा दिया गया है, या तो आप चाहे तो इसमें देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आंसर करिए, ठीक है, या फिर आप चाहे देखिए इसमें करिए आप क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, देखिए अपने फ्रेंड को आपको जो है कुछ आपका यहाँ पे एक लेटर लिखना है, तो आपको इन दोनों में से आपको आंसर तो एक ही लिखना है, तो मैं आपको जो है इनके एक एक आंसर आपको बता दूंगा। और इसके बाद देखिए आपका पांचवा आता है, इसमें आपको देखिए क्या दिया है, यहाँ पे आपका दिया गया है एक, आपको इनमें क्या करना है देखिए आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है, या फिर आप देखिए आपका ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में आपको यहाँ पे एक क्या करना है, यहाँ पे एक आपको जो है देखिए स्कूल मैगजीन आपको यहाँ पे इसमें आपको बनाना है। तो आपको चलिए हम आंसर देते हैं, देखिए तो आपको उत्तर में सिंपल सा आपको यहाँ पे लिखना है, देखिए आपको मैं इसका जो है देखिए आपका नाम मंजुला है, और आपको यहाँ पे देखिए एनुअल फंक्शन के बारे में आपको देना है, तो देखिए आपको किस प्रकार से आपको नोटिस करना है, यहाँ पे लिखा है निधि, देखिए आपको निधि लिखा है ना, तो क्वेश्चन में आपको मंजुला लिखा है, तो आप इसमें जो है सिंपल तरीके से देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका लास्ट में आपको मंजुला करना है, देखिए आपको ये तो आपका स्कूल का नाम है निधि हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, और आपको नोटिस देखिए पूरा आपको इसी प्रकार से आपको लिख देना है जैसा आपको इसमें दिया गया है, पूरा आप ऐसा ही उतार लीजिए। और इसके बाद आपको लास्ट में देखिए बाय द ऑर्डर प्रिंसिपल मंजुला सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका फोर्थ आता है, यू आर द देवेंद्र शर्मा स्टूडेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल गुना, आपको देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको आंसर करना है। चलिए आपको इसका आंसर आपको दिखा देते हैं, तो ये देखिए आपका आंसर आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पे ये कर देना है, टू द प्रिंसिपल सरस्वती शिशु मंदिर विजयनगर देवास एमपी। और देखिए यहाँ पे आपको देवास है ना, तो आपको क्वेश्चन के अनुसार आपको करना है पूरा, ठीक है, तो आप ऐसा ही कर दीजिएगा। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर इशूंग आज कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिस्पेक्टेड सर, और इसके बाद आपको ये पूरा मैटर लिखना है, और लास्ट में थैंकिंग यू योर ओबीडेंटली क्लास 11th आपको यहाँ पे डेट आपको डाल देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे पांच का आपको अथवा का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखिए ब्लड डोनेशन कैंप का आपको आंसर करना है, ठीक है, या तो आप आर्टिकल करिए या फिर आपको देखिए यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का आपको यहाँ पे मैगजीन में आपको छपवाना है। अब देखिए आपको यहाँ पे कैसे लिखना है, ब्लड डोनेशन कैंप कृतिका मेंबर एनएसएस, आपको देखिए स्कूल का नाम आप यहाँ पे एक्स वाई जेड यानी आपको जो आपका स्कूल लगे आप जहाँ के हो कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे डेट भी कर देना है, ठीक है, जो भी आपका डेट हो, और इसके बाद आपका पूरा मैटर आपको लिख देना है, बिल्कुल आपके पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कम नहीं होंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। चलिए ये आंसर करिए, इसके बाद आपका आता है देखिए सेक्शन आपका सी आता है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। यहाँ पे सेक्शन सी में देखिए आपके पांच नंबर के आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, कोई आपको पांच ही करना है, देखिए इसमें आपके छह दिए गए हैं, होलैंड इज डैश डैश यूरोपियन कंट्री, तो देखिए आपको इसमें आंसर जो है आपको यहाँ पे एन करना है, ठीक है, तो एन यूरोपियन कंट्री कर देना है, और यू डैश वेयर गो सीट बेल्ट, देखिए सीट बेल्ट की बात कर रहा है, तो इसमें आपको सुड का आपका मस्ट का ऑट का, तो देखिए आपको दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे मस्ट करना है। तीसरे में देखिए इंग्लिश इज
तो आपको इसमें स्पीकिंग इज माइनी कंट्रीज, आपको देखिए स्पीकिंग आपको यूज करना है, डू यू नो डैश हैज हैपेंड, तो आपको इसमें आपका व्हाट का यूज करना है, द पोस्ट ऑफिस इज डैश डैश स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी, आपको इसमें अक्रॉस यूज करना है। छठा देखिए द डैश डैश क्लास वर्स बाई द प्रोजेक्ट, आपको आंसर इसमें आपको होल करना है। और इसके बाद देखिए आपका सातवा डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें ये देख लीजिए आपको पहला क्वेश्चन लिया है द स्टूडेंट सेड टू बुक सेलर व्हाट इन द प्राइस ऑफ दिस बुक, आप देखिए चेंज इनटू आपको क्या करना है, आपको इसमें इसमें आपको चेंज करना है। तो देखिए आपको आंसर जो है मैं आपको डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ, आंसर देखिए पहला पहला का आंसर आपको यह लिख देना है मोहन इज सो वीक, सो दैट का यूज करना था, तो मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, ठीक है। तो ये देखिए पहले का आंसर मिल गया। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन मोहन ये देखिए आपको ये पहले वाले का आंसर आपको ये पे इसका आपको दिया गया ना रिराइट यूनिट सो दैट का, आपको पहले का आंसर आपका पहले आपको यहाँ पे बाद में दिया गया। और दूसरा देखिए आपका बुक सेलर वाला क्वेश्चन आंसर आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा द स्टूडेंट आस्क्ड द बुक सेलर टू व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द बुक, दूसरे का आंसर मिल गया। और इसके बाद देखिए तीसरा माई पेरेंट्स हैव, इसका आंसर देखिए अंडरलाइन में आपको क्लाज बताना है, क्लाज आपका यूज करना है, तो इसका आंसर देखिए अनलेस आपका यहाँ पे देखिए चौथी का आंसर आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, आपको देखिए टोटल आपके पांच ही करने हैं, तो आपको आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, तो तीसरे आपको छोड़ दिया गया है, चौथी का आंसर देखिए आपका इसका आंसर जो है देखिए अनलेस वाले का इसका आंसर अनलेस रजत एक्ट नाउ ही विल नॉट लूज एवरीथिंग, पांचवा देखिए द वर्क विल बी फिनिश बाय द वर्कर इन अ डे, चेंज द वॉइस करना है, तो देखिए आंसर कर दीजिए द वर्कर फिनिश द वर्क इन अ डे, आपको आंसर यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो देखिए अगर आपको छठा दिया है सी वर्क हॉर्ड सपोर्ट हर फैमिली, आपको इसमें पास्ट परफेक्ट देखिए प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको इसका आंसर देखिए पूरे आपको पांच के पांच आंसर आपको यहाँ पे दे दिए गए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर देखिए क्या दिया गया है, इसमें यहाँ पे आपका सेक्शन आपका डी आता है, तो देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज को आपको पढ़ना है और इसके बाद आपका इनका आंसर देना है। चलिए आंसर कैसे करना है आपको दिखा देते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए पूरा यहाँ पे द अबव स्ट्रेट हैज बीन टेकन, देखिए इसमें आपको आंसर जो है इसमें बी नंबर करना है सिल्क रोड, और सेकंड का देखिए व्हाट एक्शन द टिबेटियन मस्ट बी फायर द बिकम अवेयर अप्रोचिंग व्हीकल, तो आपको इसका आंसर देखिए आपका आंसर करना है डी नंबर दे एक्सप्लोर्ड इनटू एक्शन अप्रोच रैपिडली, ठीक है। तीसरे का आंसर देखिए व्हाई वेयर टिबेटियन मस्ट बी फायर पॉपुलर इन चाइना इंपीरियल का कोर्ट, आपको आंसर देखिए सी नंबर एज हस्टिंग डॉग्स करना है। चौथा क्वेश्चन देखिए व्हाट कलर आर द तिब्बतियन मस्टिफाइव डिस्क्राइब इन द पैसेज, तो आपको आंसर देखिए बी नंबर डार्क ब्लैक करना है। पांचवा देखिए व्हिच ऑफ द हैज सिमिलर मीनिंग अब द स्वेयर, तो आपको इसके आंसर देखिए सी नंबर टू टर्न शॉर्पली, आपको यह आंसर करना है। क्वेश्चन देखिए नौ नंबर, तो नौवे में देखिए आपको यहाँ पे क्या आपका एक पोएम दिया गया है, ठीक है। तो पोएम आपको जो दिया है तीन नंबर क्वेश्चन आपको इसमें दिया है व्हाट डज द फादर विश फॉर, तो आपको देखिए आंसर ए नंबर करना है अंडरस्टैंडिंग। और इसके बाद व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डज नॉट फादर टू सन हैव, आपको इसका आंसर देखिए बी नंबर स्टैंड कर देना है। और तीसरा देखिए दैट दीज लाइन शो क्या कर रहा है, तो आपका ग्रीफ ऑफ फादर, आपको यह आंसर कर देना है। और इसके बाद देखिए नौवा नंबर का आपका बी नंबर, आपको इसमें चार अंक मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए हु वाज द सिटिंग ऑन द हॉर्स, आपका इसका आंसर देखिए आंसर ए नंबर करना है कजिन ऑफ द स्पीकर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है फ्रॉम विच लेसन हैज अबव स्ट्रेट बीन, ये आपका लेसन किससे लिया गया है, तो आपको देखिए द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स करना है। और इसके बाद देखिए विच लैंग्वेज डिड मोराद स्पीक, आपको देखिए आंसर आपका सी नंबर अमेरिकन करना है और आर्मेनियन, ठीक है आर्मेनियन, ठीक है। और देखिए चौथा दिया है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द ब्यूटीफुल का, नाउन फॉर्म क्या होगा आपका ब्यूटी हो जाएगा, ब्यूटी से ही आपका बनता है, आपका ब्यूटीफुल बनता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका टेंथ आता है, क्वेश्चन टेंथ में आपको जो है ना यहाँ पर आपको देखिए कोई आपके पांच क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो अगर देखिए मैं क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ तो देखिए टेंथ का आपका जो पहला आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। अगर आप देखिए इनका आपको जो है ना इनका अगर आपको चाहिए क्या क्वेश्चन, तो आपको चलिए मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रहे आपके क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 10 में आपको जो है ना व्हाई वाज द ग्रैंडफादर सेड व्हेन आर्थर वाज एडमिटेड इन द इंग्लिश स्कूल, देखिए ये क्वेश्चन आपके पूरे रहे, आपके छह क्वेश्चन, इनमें से आपको करना है कितने पांच क्वेश्चन करने हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली इनके आंसर आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन आपका 11 आता है, इनमें आपको जो है ना कोई आपको तीन क्वेश्चन करने हैं, टोटल आपके चार दिए गए हैं, इनके भी आंसर मैं करवा दूंगा। और इसके साथ
क्वेश्चन आपका 12 का देखिए, आपको इनमें कोई आपको दो करने हैं तो मैं आपको इनका आंसर दे दूंगा, चार में से दो क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन 13 में देखिए, आपको इसमें कोई आपको दो करना है, टोटल आप इसमें आपके तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। साथ में आपका 14 नंबर देखिए, आपको ये दिए गए हैं, इनमें से आपको चाहे तो आप चाइल्डहुड वाला करिए या फिर आपका फोटोग्राफ वाला करिए, या फिर इनमें देखिए क्वेश्चन 15 में समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स वाला करिए, या फिर देखिए यहाँ पे या फिर आई हैव समथिंग ओ गॉड वाला करिए। चलिए आपको आंसर दिखा देते हैं, तो आपका आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, आप ये देख सकते हैं आंसर आपका ये रहा। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10 का, आपका पहले का आंसर देखिए, आपका ये देखिए आंसर ये था ना पहला वाला आंसर 10 का आपका पहला है, व्हाई वाज द ग्रैंड मदर सैड व्हेन द ऑथर एडमिटेड एन इंग्लिश स्कूल। तो देखिए पूरा आंसर आपको द ग्रैंड फादर वॉज बिकॉज सी डिड नॉट बिलीव थिंग्स बिकॉज टॉप ऑफ द इंग्लिश स्कूल, आपका ये पूरा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 10 का आपका दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, हाउ डिड द चाइल्डहुड कंसोल द फेयर स्ट्रिकन पेरेंट। आपको देखिए पूरा आंसर आपको यहाँ पे इस प्रकार आपको लिख देना है, देखिए व्हेन द शिप बिकम ऑफ द कंट्रोल एंड फादर वाज होपलेस, और ये आंसर पूरा कर दीजिए। 10 का दूसरा मिल गया, टोटल आपको 5 करना है ना। अब 10 का देखिए तीसरा आंसर आपको ये रहा, व्हाई वाज द चेयर अनकॉपीड। अब देखिए इसका आंसर द प्रेसिडेंटियल चेयर वॉज द अनकॉपीड बिकॉज देयर वॉज नो चेयर पर्सन द लेक्चर सीरीज, आपको ये आंसर कर देना है। क्वेश्चन देखिए 10 का आपको देखिए तीसरा मिल गया। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे छठा करना है, छठा आपको लिख देना है, देखिए हाउ डिड नोरबू बिकम एन आइडियल कंपेनियन फॉर द ऑथर। तो आपका देखिए इसका आंसर पूरा आपको मिल गया, ये रहा आंसर, आप इसी कर लीजिए पूरा। देखिए नोरबू वॉज द आइडियल कंपेनियन फॉर द ऑथर एज बोथ ऑफ द एकेडमिक ही हैड कम अवे फ्रॉम द एकेडमिक वर्क, आपको ये आंसर करना है। और इसके बाद देखिए इसी में आपको जो क्वेश्चन आपको देखिए आपका चौथा आपको जो नहीं दिया गया था इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको ये कर देना है। देखिए हाउ कैन फिनिश डेमिशियन फॉरेस्ट ऑफ द हार्मफुल, इसका आंसर देखिए ओवर फिशिंग माई लीड स्ट्रिपलिंग फिशर ऑफ द मैन बिल लोज रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन। आपका देखिए पूरे 5 क्वेश्चन का आंसर मिल गए, 4 मैंने आपको पहले दिया था और आपका चौथा का आपको रह गया था, तो आपको इसका आंसर आपको ये मिल गया। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 11 का, इनमें आपको कोई आपको तीन ही करना है। चलिए आपको आंसर दिखा देते हैं, सबसे पहले देखिए आपका क्वेश्चन आपका ये रहा 11 का, आपका पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ। देखिए फोटोग्राफ करना था तो द पोएट मदर ही हैड टू कजिन बेटी एंड डॉली और द फोटोग्राफ, आपको यहाँ पे देखिए ये पहला आंसर हो जाएगा। सेकंड का देखिए 11 का कोई दूसरा क्वेश्चन व्हाट विल हैपन डजंट रेन, तो आपको देखिए इस आंसर आपको ये पूरा कर देना है, बिल्कुल आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना है। देखिए फुल पोटेंशियल एंड गिविंग बैक लाइफ ऑफ द इट ओरिजिन। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 11 का, यहाँ पे थर्ड नंबर नहीं आपका फोर्थ नंबर का है, व्हाट डज द फादर स्टेट ऑफ द डू इन ऑर्डर अंडरस्टैंड। तो देखिए इन ऑर्डर अंडरस्टैंड हिज सन फादर वॉन्ट टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप विथ हिज सन ही आल्सो वॉन्ट डेट प्रोडिगल सन माई रिटर्न टू होम, आपको यह आंसर कर देना है। देखिए आपको तीन का आंसर मिल गया ना, क्योंकि आपको तीन करने थे तो 11 का पहले का दे दिया, दूसरे का और चौथे का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 12 में आपको दो क्वेश्चन का आंसर करना है, तो आपको देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा पहले वाले का, व्हाई डिड द बॉयज रिटर्न टू द व्हाइट हॉर्स इट ऑनर। तो देखिए आपको इसका आंसर द रिटर्न व्हाइट हॉर्स ऑनर बिकॉज दे वेयर फ्रॉड बिकॉज दे आर कंसिडर आप द पिक्ड देम, आपको यहाँ से मिल गया। इसके बाद देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन व्हाई हैड ऑथर कम टू विजिट मिस्टर डॉर्लिंग, आप देखिए इसका आंसर द ऑथर हैड कम विजिट डॉर्लिंग बिकॉज द नरेटर मिस्टर एसएस डॉटर अंडरस्टूड दैट ही वॉन्ट टू राइट प्लेस वेयर सी कैन फाइंड हर मदर बिलोंगिंग, आपको ये आंसर पूरा लिख देना है। और इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन 13 में आपको यहाँ पे कोई दो ही आंसर करने हैं। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन 13 का, आपको देखिए आपको इसमें देखिए 13 तो आपको आंसर मिल गया ना, आपका ये रहा 13, आप 12 का आंसर रहा आपका ये। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको जो 13 का आंसर आपको यहाँ पे ये तो आपका 14 का आंसर है। ठीक है, चलिए आपको हम दिखाते हैं आपका ये रहा क्वेश्चन आपका 13 का। ठीक है, देखिए 13 का आंसर आपको मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप देखिए 14 का, तो 14 का देखिए आपका पहला आंसर आपका डज द टाइटल लेसन द देयर पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी जस्टिस। देखिए आपका जो क्वेश्चन है 13 का आपका पहले का ही आंसर है, देखिए ये आपका जो है लेडी जस्टिस वाला इसका आंसर आपको जो है आपको देखिए आपको यहाँ पे 14 में आपको दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं आपको, देखिए ये रहा आंसर, तो आपको इसमें आंसर आपको जो है
यहाँ पे आपको जो है ये देखिए आपका ये 14 आपका नहीं है, ये लेडी जस्टिस आपका 13 का आंसर है, ठीक है। तो आपको देखिए 13 का आपका पहला है, तो आपको देखिए इसका आंसर द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी इज द वेरी अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द स्टोरी इन द कंप्लीट स्टोरी, आपका ये पूरा आंसर करना है। और इसके बाद देखिए 13 का आपका पहला हो गया और ये रहा आपका 13 का आपका दूसरा, हाउ डिड राजेंद्र देश पांडे ट्राई टू रिलाइज प्रोफेसर गायतोंडे इज एक्सपीरियंस फैंटेस्टिक कैस्ट्रोफ्रिक आपका एक्सपीरियंस, देखिए इसका आंसर आपको लिख देना है। राजेंद्र देशपांडे एक्सप्रेस्ड दैट प्रोफेसर गायतोंडे हैज पास्ट थ्रॉट ऑफ द फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस मोर करेक्टली कैस्ट्रोफ्रिक, आपको ये पूरा आंसर करना है। और इसके बाद देखिए आपका 14 का आंसर जो है आपका यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो 14 में देखिए आपको यहाँ पे अथवा में आपको क्वेश्चन दिया गया था, तो आपको एक ही क्वेश्चन करना था, व्हाट आर द थ्री फेज डिस्क्राइब इन द पोएम ऑफ फोटोग्राफर, देखिए इसका आंसर करना है। देयर आर फॉलोइंग थ्री फेजेस डिस्क्राइब इन द पोएम ऑफ फोटोग्राफ, पहला लिख देना है द फर्स्ट फेज डिस्पाइट ऑफ द हैप्पी चिल्ड्रन ऑफ द पोएट मदर, सेकंड देखिए आपको लिखना है यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट द सेकंड फेज ऑफ द डिस्क्राइब हैप्पी मोमेंट फॉर द मदर एंड बीच, और थर्ड आपका देखिए यहाँ पे डिस्पाइट पोएम सैडनेस बिकॉज हिज मदर डेथ, आपका ये हो गया। और लास्ट आपका देखिए 15 नंबर का, व्हाट मेक द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इंटरेस्टिंग, इसका आंसर देखिए द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स टूली स्टॉर्म स्टोरी अबाउट ऑफ द पुअर अमेरिकन बॉयज, द स्टोरी टेल्स अबाउट द बॉयज वेरी क्रेजी अबाउट हाउस और द टू बॉयज आर, देखिए आराम और आपका मुराद एक्सप्लोर देयर लव और हॉर्स राइडिंग पूरा आपको दिया गया है। तो आपको देखिए इस प्रकार से हमने आपके पूरे 15 के 15 क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, और आई होप आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से इनके आंसर आपको मिल चुका होगा। तो देखिए हमने आपको पूरा पेपर का आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आंसर आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया गया है। और देखिए पूरे आंसर मैंने आपको यहाँ पे 14 का आंसर आपको इसका दे दिया था आप फोटोग्राफ का दिया, और 15 में आपको आंसर मैंने आपको इसका दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने इसका राजेंद्र वाला भी दे दिया है देश पांडे वाला, और इसमें आपको देखिए प्रोडक्ट ऑफ लेडी का, और इनके तो आपको आंसर मिल ही गए हैं। तो आई होप अब आप जो है ना यहाँ पे आसानी से यहाँ पे प्री बोर्ड के पेपर में पूरे 80 में से 80 नंबर लाएंगे और गर्दा उड़ा देंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप यहाँ पे टॉपर बनते रहे। और टेलीग्राम का आपको लिंक जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आपको दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर जल्दी से ज्वाइन करिए और PDF भी डाउनलोड कर लीजिए। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पहनने जाना है, बाय।